हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। रेलवे के अंदर फिर से TC&TT की रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है सामने। आज उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। इस बार रेलवे की तरफ से TC&TT की जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जानकारी दिया गया है, जिसमें 10th एंड 12th पास करके आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। रेलवे के अंदर इस बार फिर से जो है बहुत बड़ी भर्ती निकली है, जिसमें आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। लास्ट डेट है 24th ऑफ अक्टूबर 2024। रेलवे के अंदर TC&TT की जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आया है, इसमें किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, चलिए देख लेते हैं। इस बार TT की जो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, इसमें अगर बात किया जाए एज क्राइटेरिया, तो आपको 18 से 28 इयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। मिनिमम जो एज है 18 एंड मैक्सिमम 28 इयर्स तक आप लोग यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को और एक बात बता देता हूँ, अगर आप लोग फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो, यहाँ पर आपको एज रिलैक्शन भी मिल जाएगा। एज़ पर द गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अगर आप लोग SC ST होते हो, तो आपको 5 ईयर्स एंड OBC होने के लिए 3 ईयर्स तक की एज रिलैक्शन आपको मिल जाता है। सैलरी आपको जो है यहाँ पे 27,000 से 45,000 तक पर मंथ आपको सैलरी भी दिया जाएगा। इसके अलावा रेलवे की TTE की रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें एप्लीकेशन करने के लिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। 10th पास करके आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना है, यहाँ पर मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आप लोगों को फॉर्म को फिलअप करना होगा। एप्लीकेशन करने के लिए रेलवे TTE के जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आया है, इसमें अगर आपको सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए रेलवे की तरफ से, तो यहाँ पे भी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एग्ज़ाम देना होगा, जो कि फर्स्ट है आपको CBD एग्ज़ाम, एंड सेकेंड आपको जो है फिजिकल टेस्ट, थर्ड जो है मेडिकल टेस्ट, एंड फोर्थ आपको मेरिट लिस्ट के ऊपर बेस करके सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान में देख के आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट करना होगा, देन आपको सिलेक्शन होगा। CBD एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है वो अभी तक के लिए नहीं बताया गया है, बट अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो CBD एग्ज़ाम के लिए, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे इसके अलावा और एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे फिजिकल टेस्ट के लिए भी एक अपडेट दिया जाता है, तो उसका भी डिटेल अगर है तो मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात किया जाए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस, एंड SC ST के लिए 300 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस आपको देना पड़ेगा। तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते, इसको आपको ध्यान में रख के फॉर्म को फिलअप करना होगा। किस तरह से एप्लीकेशन करना है, आपको ऑनलाइन में जाके इंडियन रेलवेज़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जाके आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा, एंड एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको वहाँ पे जाके ही आपको भरना होगा। एप्लीकेशन करने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट, जैसे आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ लेके आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो। अगर पसंद आया डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।